हे दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किंग रूट एप्लीकेशन के बारे में। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर आपको पता होगा रूट क्यों जरूरत है। तो दोस्तों, जो किंग रूट एप्लीकेशन है इसको क्या आपको यूज में लेना चाहिए, बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ। जो किंग रूट एप्लीकेशन है इसको जब आप इंस्टॉल करने जाओगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक प्रोसेस आएगा कंप्लीट होने का। रूट का जो प्रोसेस आता है उसके अंदर आप लोगों को दो तीन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। उसके साथ साथ आपके सामने बहुत से एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया जाएगा। इससे कंपनी का फायदा है, कंपनी बहुत पैसा इससे कमा लेता है। लेकिन आपका जो रूट का प्रोसेस है, जो आप काम के लिए यूज में लेना चाहते हो, वो कंप्लीट नहीं होता है। किंग रूट जो एप्लीकेशन है, कुछ कुछ स्मार्टफोन है, कोई कोई स्मार्टफोन में काम कर जाता है, लेकिन सारे स्मार्टफोन में ये चीज नहीं होता है। जो पुराना कुछ स्मार्टफोन है, कोई स्मार्टफोन में सपोर्ट भी ले भी लेता है, तो उससे आप सारे एक्सेस को नहीं एक्सेस कर पाओगे। सारा जो प्रोसेस होता है, जितने भी काम होता है रूट के जरिए, उसको आप नहीं कर पाओगे। कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशन है जो ये चल जाता है, लेकिन सारे एप्लीकेशन भी काम नहीं करता है। तो आप रूट करना चाहते हो, या आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरत है आपको रूट का कोई एप्लीकेशन या कोई काम के लिए, तो आप जो मेन रूट का प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत होगा, आपका जो स्मार्टफोन है उसको TWRP इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जो फ्लैश का फाइल है उसको आपको, जो रूट का फाइल होता है उसको आपको फ्लैश करना होगा। उसके बाद आप बहुत ही आराम से जितना भी रूट का काम है, जितने भी रूट के जरिए किया जा सकता है, आप सारे काम को कर सकते हो। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ आपको, किंग रूट एप्लीकेशन उसका जरूरत ही नहीं है, उसको यूज मत लीजिए। इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ आपका जो मोबाइल है उसका स्टोरेज फुल होगा और दो तीन एप्लीकेशन आ जाएगा, लेकिन इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। यूट्यूब में बहुत से वीडियो मिल जाएगा जिन लोग बताते हैं कि किंग रूट से एंड्रॉइड का जो रूट है वो रूट हो जाता है, सारा चीज़ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, नहीं होता है। ऐसे बहुत से फेक वीडियो मिल जाते हैं। ऐसा ही होता तो जो मेन रूट प्रोसेस है वो कभी नहीं आता, किंग रूट ही सब कुछ कर देता। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेन जो रूट प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। मैं आपके लिए हर वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास हर मॉडल का स्मार्टफोन नहीं है। हर स्मार्टफोन के लिए अलग अलग रूट का फाइल होता है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, या यूट्यूब में बहुत से यूट्यूबर भी है जो डायरेक्ट जो रूट होता है उसका प्रोसेस भी दिखाता है फुल। बहुत से स्मार्टफोन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सारा फोन का ही मिल जाएगा। तो ये बात आता है रूट करने के टाइम पे आप लोगों को कौन सा चीज फॉलो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो रूट होता है ये एक ओपन सोर्स होता है, मीन्स आपका जो ब्लॉक प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है, तो बहुत से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल है, आपका जो आईडीज है, जो इंपॉर्टेंट आईडी है, बैंकिंग आईडी है, सारे आप लॉग आउट कर दीजिए, सारे क्लियर कर दीजिए। आपका इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप दूसरे स्टोरेज में कॉपी कर लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट फाइल को उस स्मार्टफोन के अंदर मत रखिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस होता है, जितने भी फाइल्स होता है, जितने भी प्रोग्राम होता है, सारा ओपन हो जाता है। इसके वजह से सिक्योरिटी में बहुत से प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत है रूट, तो कीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल प्रोसेस है उससे कीजिए, किंग रूट एप्लीकेशन को मत यूज कीजिए। एक फेक है, जितना बताता हूँ सारे स्मार्टफोन में काम नहीं करता है। एक जरूरत नहीं है आपको किंग रूट एप्लीकेशन का, आप डायरेक्ट का जो प्रोसेस है उससे आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है मैंने आपको जितना इन्फॉर्मेशन दिया इससे शायद आपको पता चल गया आपको किंग रूट एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। फिर भी आपको लगता है किंग रूट एप्लीकेशन से आप रूट करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। उसके साथ साथ ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।